हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के लिए मेरे एडेनियम और रोज़ प्लांट के कुछ अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों, आप सबों के साथ तो मैं शेयर कर ही चुका था जब मैं कुछ न्यू एडेनियम प्लांट परचेस किया था ऑनलाइन। तो दोस्तों, मैंने कुछ कारण से इसके रिपोर्टिंग आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाया। तो लगभग मेरे प्लांट को लगाए हुए दोस्तों 15 दिन हो चुके हैं और देखिए कुछ कुछ नए ग्रोथ भी आने लगे हैं और इसके लीव्स भी पूरे ग्रीन हैं। दोस्तों, मैंने इन प्लांट को अभी बरसात के मौसम को देखते हुए मैंने सिंडर पे इसे रिपोर्ट किया हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें 90% सिंडर और 10% वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर को ऐड किया हूँ इस मिक्सचर में। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इन बेबी प्लांट को परचेस करने के बाद मैं अभी तक किसी तरह का कोई फूड नहीं दिया हूँ। तो आज हम यही जानेंगे कि इन प्लांट को परचेस करने के बाद मैं पहला इनका क्या खाना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक एक करके सब प्लांट को आपके सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, आप देख के समझ ही जा रहे हैं, मेरे ये वही प्लांट है। देखिए, ये वो वेरीगेटेड लिप्स वाले हैं और इनके फूल अभी बहुत सुंदर आते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इन्हें फूल लेने पर जोर नहीं दूंगा। दोस्तों, पहले मुझे प्लांट का हेल्थ और प्लांट को थोड़ा ग्रोथ करा लेना है, क्योंकि फूल लेने के लिए तो सारा दिन बाकी है। इसमें बहुत एडेनियम में फूल आते हैं और जब फूल आएंगे तब इनके पत्तियां भी नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं इन्हें प्लांट के हेल्थ पर जोर दूंगा और प्लांट का हेल्थ एक बार अच्छा हो जाने पर इनमें फूल आते ही रहेंगे। तो इसी विषय पर दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि प्लांट को सबसे पहले परचेस करने के बाद आपको बेबी प्लांट में क्या फूड देना है, तो इसी का विषय में जानेंगे दोस्तों। और इसके बाद मैं रोज़ प्लांट पर भी आऊँगा, तो पहले एडेनियम का देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस बरसात के मौसम में एक तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और इसे बरसात का मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने इस समय इनका पहला खाना एनपीके दे रहा हूँ। दोस्तों, अब एनपीके को बहुत कम मात्रा में देख ही सकते हैं दोस्तों। एक छोटे से चम्मच में, ये एक छोटा सा आइसक्रीम का चम्मच है, इनमें 1261 00 इनका रेशियो है। ये इन्हें पहला खाद में दे रहा हूँ। ये 1261 00 जो है दोस्तों, ये प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ के लिए है और इनके रूटिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए ये खाद है। क्योंकि अभी से अगर मैं इन्हें 19-19-19 का फर्टिलाइज़र देने लगूँगा तो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करने लगेंगे। मुझे फ़िलहाल फ्लावर लेने नहीं है और मुझे प्लांट के रूट सिस्टम और प्लांट का हेल्थ को पहले ठीक कर लेना है। तो इसी के लिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मैं इनको शेयर करूं कि आपके पास भी अगर कोई आप एडेनियम प्लांट नए अपने गार्डन में ऐड किए तो पहला उन्हें क्या डोज देंगे। देखिए दोस्तों, थोड़े थोड़े मात्रा में मैं इसे छिड़काव कर रहा हूं और चारों तरफ से इन्हें छिड़काव कर देना है दोस्तों। और अगर आप दोस्तों एडेनियम को ज़मीन पर लगाए हैं, मिट्टी पर लगाए हैं, तो मिट्टी के मीडिया पे दोस्तों आपको ये खाद कम से कम 15 से 20 दिन के गैप में देने होंगे। मेरे ये सिंडर पे है, इसलिए मैं इन्हें हर हफ्ता दूंगा, क्योंकि सिंडर में ये ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब रोज़ की ओर चलते हैं। ये देखिए, मेरे ये वही रोज़ प्लांट है जिसको मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों, ये प्लांट पूरे स्केल से इफ़ेक्ट हो गए थे, इनके हर टहनी को स्केल लगभग पूरे कवर कर चुके थे। और ये मेरे बहुत ही सुंदर एक प्लांट है जो दोस्तों आप हर बार मेरे वीडियो के शुरुआत में आप देखते हैं, ये मेरे वही प्लांट है दोस्तों। इसका नाम है चेरिज्मा और ये फ्लोरिवांडा रोज़ है दोस्तों। इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इस प्लांट के टहनी को पूरी तरह देख सकती है, ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, इसके ऊपर का जो स्केल का कोटिंग था वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और इसका एक रामबाण इलाज दोस्तों मैं आप सबों से शेयर किया था, एक मेडिसिन है थीटा बोल के, उस थीटा के एक डोज से ही इस प्लांट के सारे स्केल अब देखिए बिल्कुल नहीं है, वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसे ही स्केल समाप्त हो जाएंगे आपके प्लांट में देखिएगा न्यू लीफ भी आ जाएंगे, इन्हें ग्रोथ भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि आप जितने भी फर्टिलाइजर डाले, खाद डाले, जो भी डालते रहे, ये स्केल प्लांट के ऊपर तक ब्रांचों में ये पहुंचने ही नहीं देते, ये उनको आधे रास्ते में ही सारे उस प्लांट से वो फर्टिलाइजर चूस लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही स्केल ख़त्म हुए हैं, प्लांट में हेल्दी लीव्स भी आ गई हैं
और बर्ड्स भी आने शुरू हो गए हैं। हर टहनी में देखिए दोस्तों बर्ड्स आए, और इनके लीव्स भी देखिए कितने सुंदर इनके लीव्स आ चुके हैं रेड कलर के। अब मैं इनमें धीरे धीरे फर्टिलाइजर ऐड कर रहा हूँ, और देखिए दोस्तों एक फ्लावर बर्ड भी आ चुके हैं, एक दो दिन में ये फ्लावर भी खिल जाएंगे। और इस प्लांट के तो दोस्तों इतने सुंदर फ्लावर है, जब फ्लावर आते हैं तो पत्तियों से ज़्यादा फूल नज़र आते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आप सबों को साथ ये शेयर किया, दोस्तों आप भी अगर कोई प्लांट स्केल से इफ़ेक्टेड है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूँगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।